0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन। वर्तमान स्थिति में कोई बेहतर समझौता संभव नहीं है। BSNL बोर्ड के निदेशकों के साथ हुई बातचीत में AUAB यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL ने बताया है कि वह 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन के लिए सहमत है। इसके बाद कई विशेषज्ञों ने अपने गणितीय कौशल दिखाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि 0% फिटमेंट के साथ वेज रिवीजन में कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। सभी को यह समझाना चाहिए कि कर्मचारियों के लिए एक अच्छा वेतन समझौता करने के लिए AUAB ने पिछले 4 वर्ष से अपनी पूरी कोशिश की थी। AUAB ने 3 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकाल हड़ताल का नोटिस जारी किया। इसके तत्कालीन संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा को AUAB के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया। हालांकि बातचीत में मंत्री ने 15% फिटमेंट की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद AUAB ने 18 फरवरी 2019 से 3 दिवसीय हड़ताल पर चला गया। हड़ताल से ठीक पहले संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने वेतन संशोधन को 0% फिटमेंट के साथ निपटाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह इसके लिए कोई लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए BSNL के कर्मचारी और गैर कार्यकारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। फिर भी वेतन संशोधन का निपटारा नहीं किया जा सका। हमारे साथियों को यह समझना चाहिए कि AUAB द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वेतन संशोधन का निपटारा नहीं हो सका। लगभग पिछले 3 वर्षों से प्रबंधन और सरकार द्वारा वेतन संशोधन की मांग को गहराई से दबा दिया गया है। यह केवल AUAB द्वारा की गई ईमानदार प्रयासों के कारण है। CMD BSNL के साथ एक समझौता हुआ है और AUAB के सभी महासचिवों ने प्रबंधन को बताया है कि वे 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन के लिए सहमत हैं। सभी निष्पक्ष कर्मचारी इस बात से सहमत होंगे कि BSNL अभी भी एक गहरे वित्तीय संकट में है और वर्तमान स्थिति में कोई बेहतर समाधान संभव नहीं है। तो दोस्तों, BSNL को जल्दी ही 3rd PRC मिल जाएगा विद 0% फिटमेंट। इससे कोई ज़्यादा लाभ तो देखने को नहीं मिलेगा, पर कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ही BSNL को भी 3rd PRC मिल जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।